गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम इसमें अपना कंबर्शन एंड फ्लेम चैप्टर नंबर 6 करेंगे। तो हमें इसमें डिफरेंसेस बिटवीन द 3 जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने तीनों फ्लेम्स को पढ़ लिया है कैंडल्स की। अब हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एयर में ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होता है कौन सी जोन में। इनर मोस्ट जोन में नॉट मच एयर इज अवेलेबल, जितनी सफिशियंट एयर मतलब जितनी एयर चाहिए होती है उतना उपलब्ध नहीं होता है इनर मोस्ट जोन को। मिडल जोन इनफ एयर इज नॉट अवेलेबल, जितना एयर चाहिए होता है उतना अवेलेबल नहीं होता है, पर इनर मोस्ट जोन से थोड़ा ज़्यादा अवेलेबल होता है, इसके पास तो बिल्कुल भी नहीं होता इनर मोस्ट जोन के पास। और आउटर जोन के पास प्लेंटी ऑफ एयर इज अवेलेबल, इसके पास बहुत सारी एयर यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। फिर सेकंड है कंबशन, नो कंबशन टेक्स प्लेस, इनर मोस्ट जोन में कुछ भी नहीं जलता है, कोई कंबशन टेक प्लेस नहीं होता है। पार्शियल कंबशन टेक प्लेस, इसमें क्या होता है आधी ही चीज़ें जल पाती हैं बाकी बची रह जाती हैं। आउटर जोन में कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस, जो भी होता है वो सब कुछ जल जाता है। हॉटनेस, इट इज़ द लीस्ट हॉट रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम, ये बहुत ही लीस्ट मतलब ये बहुत कम गर्म होता है, ऐसा जोन है कैंडल का इनर मोस्ट जोन। मिडल जोन इट इज़ मॉडरेटली हॉट, ये ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। आउटर जोन ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इट इज़ द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम। फिर ल्यूमिनस, इट इज़ डार्क और ब्लैक, जो इनर मोस्ट जोन है वो डार्क और ब्लैक होता है, उसमें से हमें लाइट नहीं मिलती। इट इज़ ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस होता है यानी हमें इसमें से लाइट मिलती है जिससे हम दूसरी चीज़ों को देख सकें। इट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस जोन, ये नॉन ल्यूमिनस जोन होता है आउटर जोन, इससे हमें कोई लाइट नहीं मिलती। बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म नल, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। इट प्रोड्यूसेस अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, ये अनबर्न कार्बन मतलब कुछ बिन जले कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और